वेलकम टू अपनी रसोई। मैं संगीता। आज मैं दो चीज़ों से सैंडविच बनाने जा रही हूँ। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले एक कटोरी मोटे वाले चूड़े लेंगे। इसे हम अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब हम इसमें दो छोटी कटोरी से पानी डालेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें उतना ही लेना है जितने में चूड़े पूरे अच्छे से डूब जाए। अब हम इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, चूड़े काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और पानी भी एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें थोड़ी भी पानी ना रहे। हमें यहाँ पर छान कर लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम छानेंगे नहीं तो हमें बनाने में बहुत सी मुश्किल होगी। इसलिए हम इसके पानी को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें थोड़ी भी नमी ना रहे। देखिए इस तरह से हम दाब दाब के हाथों से इसे हम छान लेंगे। देखिए अब हम इसे बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और हाथों से फैला देंगे। इसी तरह हम बचे हुए चूड़े को भी छान लेंगे और फिर हम इसे भी इसके ऊपर फैला देंगे और 5 मिनट इसे सूखने देंगे। फिर हम एक बड़े से जार लेंगे और उसमें हम सभी पोहे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसे सूखा ही ग्राइंड करेंगे। देखिए ग्राइंड हो गए हैं, दो बार ग्राइंड किए हैं और इस तरह के जब बन जाए तो इसे हम फिर बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये कॉर्नफ्लोर है, आप यहाँ पर मैदा, आरा रोट, चावल के आटे कुछ भी ले सकते हैं जिससे हमारी ये डो बनाने में, बैंडिंग में खास्ता और करारे बनने में सहायता करेगी। इस तरह हम इसे एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए डो बन के तैयार है, स्मूथ और सॉफ्ट डो बने हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे, चॉप किए हुए ग्रीन मिर्च, प्याज और चॉप किए हुए शिमला मिर्च डाल रहे हैं। ग्रीन शिमला मिर्च है। अब हम मसाले डालेंगे। एक चम्मच, 1.5 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर लेंगे, 1 चम्मच मिर्च पाउडर लेंगे। आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर लिए हैं और 2.5 चम्मच हम नमक लिए हैं। नमक आप स्वादानुसार ही लें। और हम 1 चम्मच चिली सॉस ले रहे हैं। थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर और डाल देंगे। देखिए 2 चम्मच छोड़ के हम सभी कॉर्नफ्लोर को इसमें डालकर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और हम अब यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। ये नींबू का रस डालने से इसमें चटपटा वाला स्वाद आएगा और काफ़ी स्वादिष्ट और चटपटा बनेगा सैंडविच। अब हम इसे मसलते हुए एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। देखिए डो तैयार है। इस तरह से हम सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल रोटी की डो की तरह डो है। अब हम एक चकला लेंगे, इस पे थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर फैलाकर इसे फैला देंगे और पूरे डो को हाथों से गोल करते हुए इस तरह से हम दोनों हाथों की सहायता से दाबते हुए, देखिए सॉफ्ट डो होंगे तो आसानी से ये रोटी की तरह हमारे डो फैल जाएंगे। देखिए हम हल्के हाथों से ही दाबते हुए इसे रोटी की शेप दे रहे हैं। इसी तरह हम इसे फैलाते हुए बड़ी सी रोटी की शेप दे देंगे। बस हमें इतना ही मोटा चाहिए, अब इससे पतला हम नहीं करेंगे। अब हम इसे मनचाहा शेप काट सकते हैं। हम यहाँ सैंडविच की शेप दे रहे हैं, आप यहाँ पर गोल, चौकोर कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से आप इसे मनचाहे शेप में काट लें और उसके बाद एक सर्विंग, देखिए हम एक निकाल के दिखाते हैं।
हम इसे बिल्कुल सैंडविच की तरह, ब्रेड की तरह मोटा लिए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर इस तरह रख लेते हैं। आप इसे इस तरह स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, और जब मन हो इसे सैलो फ्राई या डीप फ्राई करके खा सकते हैं। हम यहाँ इसे तवा पे सेक कर दिखलाते हैं। इसके लिए हम एक तवा चढ़ाएंगे, उसमें 2 चम्मच तेल देंगे, और तेल को अच्छी तरह तवे में फैलाने के बाद, तवे गर्म जब हो जाए तब इसे हम एक एक करके तवे पर डाल देंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसे उलटते पुलटते हमें क्रंची होने तक सेकना है। देखिए काफ़ी अच्छे से सिक गए हैं। इस तरह हम सबको क्रंची होने तक मीडियम फ्लेम पर उलटते पुलटते सेकेंगे। देखिए काफ़ी क्रंची और काफ़ी अच्छी बनी है, देखने में भी अच्छी लग रही है। कोई बता ही नहीं पाएगा ये किस चीज़ से बनी है, और काफ़ी स्वादिष्ट भी बनती है ये। आप इसे एक बार अवश्य ट्राई करें और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। देखिए कितनी अच्छी बनी है। धन्यवाद।